Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for UGC NET Economics exam. In this video, we are going to discuss most important questions for your international economics subject. We have already covered macroeconomics, microeconomics, econometrics and statistics in a similar way. जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस उठाती हूँ 5 से 7 और आपको डिस्कस करती हूँ उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे भी मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स ज्यादा पढ़ाऊं एंड रेदर देन बम्बार्डिंग यू विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन जस्ट वन गो आई गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो पेपर है दैट इज वेरी गुड दीज डेज. उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया है और आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछने लग गए हैं वो रेदर देन योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें. वही मेरी कोशिश यहाँ पे है कि यू रिवाइज योर ऑल द कॉन्सेप्ट राइट हियर राइट नाउ. So before getting into video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So starting with your question number 1, आपको list 1 और list 2 को match करना है. First is your mint power parity, purchasing power parity, mercantile theory, trade creation and trade diversion. इन सारी theories को ही एक बार revise कर लेते हैं. First is your mint power parity theory. Mint power parity theory is related to your international gold standards. इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड्स जहां पे भी आ जाए हमें पता चल जाना चाहिए कि वहां पे करेंसी का जो एक्सचेंज है वो गोल्ड के साथ हो रहा है. तो ये थ्योरी बता रही है कि जो आपके कोई भी सेंट्रल बैंक है वो आपको कभी भी मना नहीं करता है अगर जो गोल्ड से एक्सचेंज करने के लिए या फिर करेंसी से एक्सचेंज करने के लिए आपको गोल्ड. सो द सेंट्रल बैंक इज विलिंग टू बाय और सेल गोल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये आपका है मिंट पावर पैरिटी थ्योरी जिससे अंदर वो ये कह रहा है कि गिवन कंट्री में जो भी रेट चल रहा है जिस रेट पे गोल्ड को एक्सचेंज कर रहा है विद योर करेंसी उसका रेशियो विल गिव यू योर एक्सचेंज रेट. तो दिस एक्सचेंज रेट इज रिलेशन टू योर गोल्ड एक्सचेंज रेट इन योर पर्टिकुलर कंट्री. नेक्स्ट इज योर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. दिस वॉज गिवन बाय गस्टव कैसल इन द ईयर 1920. आप ये कह रहे हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है दो कंट्रीज के बीच में दैट इज डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी ऑफ योर परचेजिंग पावर. ये कैसे डिटरमाइन होता है? फॉर एग्जांपल आप कहें कि एक एप्पल जो है एक एप्पल की जो परचेजिंग पावर सिमिलर कर दी हमने दोनों कंट्रीज के लिए यूएस और इंडिया है दो कंट्रीज हमारी और यूएस में आपको एक एप्पल मिलता है $50 का और इंडिया में मिलता है एक एप्पल 5 रुपीज का. तो आपकी परचेजिंग पावर दोनों की सेम है एक ही एप्पल खरीद रहे हो आप कितने में कर रहे हो $50 में और $5 में. तो आपका जो एक्सचेंज रेट होगा वो यही हो जाएगा कि $50 इज इक्वल टू 5 रुपीज. दिस इज योर एक्सचेंज रेट. इसको डिवाइड कर देंगे इसकी रेशियो ले आएंगे तो यू विल गेट अ एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज. सो दिस वॉज योर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. नेक्स्ट इज योर ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन थ्योरी. दिस वॉज गिवन बाय जेकब वाइनर की कस्टम थ्योरी है आपकी. ये आपको और डिटेल में मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी आपसे. अभी के लिए आपको ये इस क्वेश्चन के लिए बताना चाहिए कि ये थ्योरी वॉज गिवन बाय जेकब वाइनर. नेक्स्ट इज योर मर्केंटाइल थ्योरी. दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टाइम. मर्केंटाइल थ्योरी जो आपकी होती है दैट इज फेवर्ड टूवर्ड्स द ट्रेड बैलेंस. जैसे कि ट्रेड बैलेंस होना चाहिए दैट मीन्स कि यू शुड एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट लेस. ये करने से आपके पास एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होगा और ये यही कहते थे कि पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होना चाहिए. दिस वॉज गिवन बाय सर थॉमस मून वॉज एन एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी और उन्होंने भी ये कहा कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए ऐसे पॉलिसीज लेने चाहिए कि एक्सपोर्ट्स एक तो बढ़े और इम्पोर्ट्स पे बैरियर्स लगाने चाहिए. उस पे क्या होगा आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे. सो थॉमस मून वॉज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन हमें पता चल गया कि जेकब वाइनर ने दिया. मर्केंटाइल थ्योरी हमें पता चल गया थॉमस मून वॉज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ दिस. आई होप यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. द परचेजिंग पावर पैरिटी वॉज गिवन by the second expression exchange rate between the two countries on the basis of inconvertible minted paper currencies.
So this is your purchasing power parity, and next is your mint power parity, which is your option number 3. The currency in use was made up of gold and was convertible into gold as a fixed rate. So this is your mint power parity. So your correct answer is B. Next question, question number 2. Assertion है आपकी free trade maximizes welfare and the custom unions move towards the free trade. मतलब कि जो आपको assertion में वो कहना चाह रहा है कि जो free trade है उससे आपका एक तो welfare increase हो रहा है और welfare जो है वो increase होगा आपकी trade union से, custom union से, क्योंकि वो free trade को promote करती है. वो reasoning दे रहा है कि welfare maximization always happen as per the theory of custom given by Jacob Wiener. तो ये आपके ऑप्शंस हैं कि assertion करेक्ट है और रीजनिंग इज अ करेक्ट एंड रीजन इज अ एक्सप्लेन द assertion. ये जो बेसिक आपकी रहती है, assertion इज रॉन्ग, रीजनिंग इज करेक्ट, assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, बोथ assertion एंड रीजनिंग इज रॉन्ग. इस पूरी थ्योरी को ही हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो जेकब वाइनर की है, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन की. ये कस्टम थ्योरी है, एक कस्टम्स पे इन्होंने दी है कि कस्टम यूनियंस कैसा बिहेव करती हैं आपकी मार्केट्स में. तो वो कहते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो और आपकी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ही आपकी बताएगी कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगा. सो वी आर कंसिडरिंग ओनली द प्रोडक्शन कॉस्ट. आपके यहाँ पे 3 कंट्रीज ही हैं ए बी सी, जहां पे कुछ प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इज $50, $40 एंड $30. ये 3 आपके प्राइजेस हैं फॉर अ पर्टिकुलर गुड. वो कहता है कि अगर ए को इंपोर्ट करना है किसी कंट्री से तो वो किससे करेगी. फर्स्ट केस में वो एनालाइज करता है कि 100% ट्रेड बैरियर है, 100% टैरिफ है, तो वो क्या करेगा, वो इंपोर्ट करेगा कि नहीं. तो वो इंपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर 100% हम यहाँ पे टैरिफ लगाते हैं तो 40+40 हो जाएगा, यहाँ पे $80 हो जाएगा और यहाँ पे 30+30 100% ही आप टैरिफ लगा रहे हैं तो 60 हो जाएगा. तो दोनों ही केसेस में 50 इज स्मॉलर देन दैट, कॉस्ट कम है आपकी होम कंट्री में, इसको होम कंट्री मान लेते हैं, तो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट केस में वो बोलता है कि वो 100% से अगर 50% कर देता है फॉर एग्जाम्पल अपना टैरिफ, तो क्या होगा. 40 अगर वो वाली कंट्री को देखें, कंट्री बी को देखें, तो इस पे 50% टैक्स क्या होगा, 40+20 इसका 50%, तो $60 का बिकेगा और यहाँ पे इसका 50% $45 का आपको बिकेगा कोई भी सामान, और आपकी होम कंट्री में $50 का. तो आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाहोगे, सी से, हाँ वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो वहां पे सेलिंग कॉस्ट कम होगी, इसीलिए सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से यू विल बी मोर फेवर्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री सी. बट ये कस्टम यूनियन की एक स्टडी है. कस्टम यूनियन मतलब कि एक ऐसा यूनियन बना लें कि आपके दोनों के बीच में कोई भी टैरिफ ना लगे, दो कंट्रीज के बीच में जिसमें ये अग्रीमेंट है कस्टम यूनियन का, और दो दूसरी कंट्री है जिससे जो बाहर रह गई है उसके साथ या तो ट्रेड ना ही करें या फिर उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दें कि वो ट्रेड कर ही ना पाए. सो अगर वो कहता है कि ए और बी जो है वो ट्रेड यूनियन बना लेते हैं तो वो बी से ही इंपोर्ट करेगा क्योंकि वहां पे $40 का कुछ बिक रहा था और होम कंट्री में 50 का था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस इन बी, तो वो बी से इंपोर्ट करेगा और वो जो $30 का बिक रहा था सी उससे ज्यादा है, तो ये इनएफिशिएंट हो गया. इसका मतलब आप एक ट्रेड डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हो. ए और बी अगर ट्रेड यूनियन बनाते हैं, कस्टम यूनियन बनाते हैं, तो ये ट्रेड क्रिएशन की जगह ट्रेड डाइवर्जन हो रहा है कि आप एक चीप प्रोड्यूसिंग कंट्री से लेके ट्रेड किसी मोर एक्सपेंसिव कंट्री को दे रहे हैं. बी एक्सपेंसिव है एक्स कंपेयर टू सी, तो आपने एक इनएफिशियंट कस्टम यूनियन बनाई. तो दिस इज व्हाट जेकब वाइनर इज सेइंग कि अगर ट्रेड यूनियंस नहीं है तो आप अपनी होम प्रोडक्शन पे ही करते रहेंगे जो हमने 100% टैरिफ किया, तो उसके अंदर भी क्या आप केस टू केस बेसिस में आपको देखना पड़ेगा कि वेलफेयर क्रिएशन है कि नहीं है. आप या तो इनएफिशिएंट ट्रेड यूनियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ए और बी की इनएफिशिएंट ट्रेड यूनियंस है. अगर ए बनाता सी के साथ ट्रेड यूनियन तो वो एक एफिशिएंट ट्रेड यूनियन रहती, क्योंकि फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती क्योंकि सी में 30 का ही आपको वो प्रोड्यूस कर रहा है.
नेक्स्ट इज योर एफिशिएंट ट्रेड यूनियंस एंड ट्रेड क्रिएशन. अगर आपकी जो यूनियन है वो एफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल आप ए और सी का अगर ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो दैट इज एन एफिशिएंट ट्रेड यूनियन, तो आपका ट्रेड क्रिएशन होगा और आपका ट्रेड डाइवर्जन नहीं होगा. तो इसका मतलब है जेकब वर्नर कहता है कि केस बाय केस बेसिस पे आपको कस्टम यूनियन का देखना होगा, हमेशा ऑलवेज का केस नहीं होगा. ट्रेड कस्टम यूनियन डज नॉट प्रोड्यूस अ ट्रेड गेन ऑलवेज. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो हमें ये पता चल गया जो रीजनिंग है वो गलत है, दिस आर इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपको ऑलवेज का केस नहीं इंक्लूड करना है, ऑलवेज नहीं होगा. तो आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन. आर इज इनकरेक्ट एंड ए इज करेक्ट. ए तो करेक्ट है, मतलब दिस इज द नोशन कि फ्री ट्रेड मैक्सिमाइजेस वेलफेयर एंड द कस्टम यूनियन मूव टूवर्ड्स फ्री ट्रेड. ये तो सिर्फ एक एजर्शन दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, ये तो गलत है ही नहीं, ये तो हमें पता ही है कि ये ठीक है. नेक्स्ट उसका एक्सप्लेनेशन जो वो दे रहा है, रीजनिंग दे रहा है, अगर वो जेकब वर्नर से दैट इज रॉन्ग, सो एजर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज रॉन्ग, सो योर करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं. द लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट विच ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग टैरिफ सब्सिडीज एंड कोटा इज. सो इन सारे को ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आता हो. सो फर्स्ट इज योर GATT. GATT को बोलते हैं जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. दिस वॉज अ लीगल अग्रीमेंट, ये हुआ था 1947 में, और ये कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो प्रमोट करने के लिए किया गया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और टैरिफ हटे और कोटा जो थे वो हट जाए आपके ट्रेड में से, ताकि यू मूव टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड. दिस गॉट एब्जॉर्ब इनटू WTO, और WTO जो आपका है आज की डेट में इट कंट्रोल्स मोर देन 90% ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट इज योर NAFTA. NAFTA स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एंड दिस वॉज अ अग्रीमेंट विच वॉज एंटर्ड बाय US, कनाडा एंड मेक्सिको, जिसमें जिसके बाद इन तीनों कंट्रीज में से बहुत सारी चीजों का टैरिफ जो था वो हट गया, क्योंकि ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, और दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1992. नेक्स्ट इज योर यूरोपियन कम्युनिटी. यूरोपियन कम्युनिटी तीन कम्युनिटीज का एक कलेक्शन है, वो तीन है यूरोपियन कोल एंड स्टील, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि मास्ट्रिश्ट जो आपकी ट्रीटी थी, ये मास्ट्रिश्ट इसी जगह का नाम है, और यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन बन गया था इस ट्रीटी से, यही आपका जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, दिस बिकेम अ यूरोपियन यूनियन. सो ये तीन कम्युनिटीज के कलेक्शन को आप यूरोपियन कम्युनिटी कहते हैं. तो ये एक ही बंदा आपका इसको लीड करता है, एक ही सेट ऑफ कंट्रीज आप तीनों कम्युनिटीज को लीड करते हैं. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड रॉन्गली. फेमा इन 1991, कॉपरा इन 1986, ट्रेडमार्क एक्ट इन 1957 एंड फैक्ट्री एक्ट इन 1948. सो ट्रेडमार्क एक्ट को डिस्कस कर लेते हैं. दिस वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1999, और इसमें क्या दिया गया था, डिस्टिंक्टिव सिंबल्स और साइंस वर गिवन टू द कंपनी सो दैट दे कुड डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स से अपने आप को अलग शो करने के लिए एक एक्ट थी, विच वॉज गिवन इन द ईयर 1999. नेक्स्ट इज योर फेमा एक्ट विच वॉज गिवन इन 1999. इसको शॉर्टली हम फेमा कहते हैं. इसकी फॉर्म है फॉरन एक्सचेंज मार्केट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट, और दिस वॉज गिवन इन जून 2000. ये फेरा को इसने कंज्यूम कर लिया था, और दिस वॉज गिवन इन 1 जून 2000. नेक्स्ट इज योर कॉपरा. कॉपरा इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर्स के जो भी कॉजेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपरा एक्ट है, विच वॉज गिवन इन द ईयर 1986. नेक्स्ट इज योर फैक्ट्री एक्ट, और जो फैक्ट्री एक्ट है दैट वॉज गिवन इन द ईयर 1948. इट सर्व्स टू असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग द नेशनल पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट टू द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन द फैक्ट्री एंड डॉक्स इन इंडिया. सो बेसिकली जो ये आपके एम्प्लॉयज हैं,
इनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट है और ये फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं ये उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है विच केम इन 1948। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको ये पता चल गया कि इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। तो जो ट्रेड एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, दैट वॉज गिवन इन द ईयर 1999, नॉट द ईयर 1957। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स। Let's discuss question number 5. Which of the following is not a part of the international economic environment mentioned below? ये question बहुत simple है, लेकिन this question gives me a liberty कि मैं आपको IMF, WTO ये सारे ही discuss करवा पाऊँ। So IMF को discuss कर लेते हैं। Headquarter है इसका Washington DC में। ये एक organization है of 189 countries और इनका corporation क्या है, इनका objective क्या है, to foster global monetary cooperation, financial stability और जो poverty है वो भी हटाना इसका एक मोटिव है। और ये क्या करते हैं, ये आपको overseas, इसके functions क्या क्या है, ये oversee करती है economic development को, पुअर कंट्री है उनके डेवलपमेंट को देखती है, लेंडिंग करती है उनको और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है उन कंट्रीज में जिनको जरूरत है। सो आईएमएफ के हमने ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी कर लिए। नेक्स्ट इज योर डब्ल्यूटीओ। गैट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको इसने कंज्यूम कर लिया था डब्ल्यूटीओ ने। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इस ये कुछ रूल्स देती है आपको इंटरनेशनल ट्रेड के, निगोसिएशन करती है ताकि लिबरलाइज हो हम, टुवर्ड्स फ्री ट्रेड जाएं, वी नीड अ सोसाइटी जहां पे टैरिफ सबसे कम हो, एंड दिस इज व्हाट डब्ल्यूटीओ इज ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट इज योर टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स। जब भी आप कोई भी दो कंट्रीज के बीच में टैरिफ को रिलेटेड या कोटा से रिलेटेड, वट एवर दैट इज रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल ट्रेड, वेन एवर देर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट, डब्ल्यूटीओ ऑलवेज कम इन टू प्ले और वो उस ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाह रही होती है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो आप अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, सो दैट वी शुड नॉट लीव एनी कंट्री बिहाइंड, इसके लिए भी डब्ल्यूटीओ काम करती है। सो नेक्स्ट इज योर इनकम टैक्स अथॉरिटी। वो क्या है, आपकी इंटरनल एक इंस्टीट्यूशन होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है दैट लुक्स आफ्टर द मैटर रिलेटेड टू योर डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो दिस इज नॉट इन अ ग्लोबल टर्म, ये इंडियन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी वो इंडिया के इनकम टैक्सेस को देखेगी। नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी। अगेन इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअरर कंट्रीज। जैसे आपका आईएमएफ है वैसे ही आपका डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड बैंक भी काम करता है, पर इसके दो सब्सिडरीज हैं। One is your International Bank of Reconstruction and Development. Next is your International Development Association, IDA. So, ये दो parts भी हमने discuss कर लिए World Bank के। Coming back to your question, which of the following is not the part of International Economic Environment? So, your C is the correct answer. Income Tax Authority International Trade को नहीं देख रही होती है, वो domestic market में ही देख रही होती है कि क्या चल रहा है और उसके अंदर ही वो अपने discretion पे काम करती है। So let's discuss question number 6. According to the theory of comparative advantage, which of the following is not the reason why the country trade? आपको पता है comparative advantage was given by David Ricardo. David Ricardo ने एक theory दी थी जिसमें वो बोलता है specialization will take place in the good in which a particular country has comparative advantage. इससे पहले हमने और एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ा हुआ है विच वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, जिसमें वो बोलता है आपको जिस भी चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है आप वही एक्सपोर्ट करेंगे। सो कॉन्ट्रेरी टू दैट डेविड रिकार्डो टेक्स अ साइड टूवर्ड्स कंपेरेटिव एडवांटेज। तो कंट्रीज एंड पीपल हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और they are put differently, different abilities to produce a good. आप हर कंट्री विल प्रोड्यूस सम गुड मोर एफिशियंटली और जो दूसरा गुड होगा वो इतना ज्यादा वो एफिशियंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब वो ट्रेड करेंगे दो कंट्री टू मेक ईच अदर बेटर ऑफ। सो दिस इज अ थ्योरी गिवन बाय डेविड रिकार्डो जिसमें वो कह रहा है कि ट्रेड विल हैपन और वो जो ट्रेड होगा वो इस तरीके से होगा कि आप बेटर ऑफ बने।
सो आपके एडवांटेजेस क्या क्या है ट्रेड के, कब आपको एडवांटेजेस मिलेंगे? व्हेन यू हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज और द कॉस्ट इज हायर इन वन कंट्री देन अदर कंट्री, प्राइस इज लोअर इन वन कंट्री देन अनदर कंट्री, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिफर अक्रॉस द कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. अब डेविड रिकार्डो ने सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था, दैट वॉज लेबर. सो ये आपको फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आपको वो लेबर की प्रोडक्टिविटी से अगर डिफर करते, जो भी लेबर जिस भी गुड को प्रोड्यूस करने में ज्यादा प्रोडक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में वी कैन प्रोड्यूस कॉटन मोर एफिशियंटली क्योंकि हमारा लेबर ज्यादा एफिशियंटली काम करता है एज कम्पेयर टू योर यूएस, तो आपका जो लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया vis-a-vis कॉटन इज मोर देन यूएस, तो आप एक्सपोर्ट उसी में करेंगे अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसने बोला है कि नॉट अ रीजन व्हेन अ कंट्री ट्रेड, सो प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज डी, एक्सपोर्ट गिव अ कंट्री अ पॉलिटिकल एडवांटेज ओवर द अदर कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स लेस. पॉलिटिकल एडवांटेज की बात बिल्कुल नहीं की थी रिकार्डो ने, वो सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा था. पॉलिटिकल जो टर्म्स की बातें होती हैं ये अपने इंटरनेशनल रिलेशन के, इकोनॉमिस्ट डू नॉट डिस्कस दैट. सो डेविड रिकार्डो ने बोला था कि आपके कंपैरेटिव एडवांटेज होने से आप ट्रेड करेंगे. कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डीवैल्यूएशन विल बी मोर इफेक्टिव देन, इंटरनेशनल कैपिटल इज फ्रीली मोबाइल, इंटरनेशनल कैपिटल इज नॉट फ्रीली मोबाइल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज हाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये ऑप्शंस हैं आपके, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. डीवैल्यूएशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अ डीवैल्यूएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट विल मेक एक्सपोर्ट्स मोर कंपेटिटिव. आप डीवैल्यूएशन को टर्म को ही समझ लीजिए, डी वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू कम होना. किस चीज की वैल्यू कम हो रही है? करेंसी की वैल्यू कम हो रही है. अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो आपके जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? चीप हो जाएंगे. तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे व्हेन डीवैल्यूएशन इज अकरिंग, और आप इंपोर्ट कम करेंगे, तो आपकी जो ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल हो जाएंगी. सो एंड अपीयर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन टेकन बाय योर कंट्री. सो डीवैल्यूएशन इज अ कॉन्शियस डिसीजन. क्यों डीवैल्यूएशन कॉन्शियस डिसीजन है? क्योंकि आपके एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है डीवैल्यूएशन करते हुए. अगर एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग होते तो आपकी मार्केट डेप्रिशिएट करती बजाय की डीवैल्यू करने के लिए. और कैपिटल मोबिलिटी को एक बार डिस्कस करते हैं vis-a-vis और डीवैल्यूएशन. अगर आपकी कैपिटल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आपका एक्सचेंज रेट बहुत मोबाइल वॉलेटाइल रहेगा, और आपको इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हैं वो आपकी कंट्री में नहीं आएंगे. सो हमें ये वाली जो एक कंडीशन होती है कैपिटल मोबिलिटी की, इसको चेक में रखना होता है डीवैल्यूएशन के टर्म्स में. क्योंकि अगर हम गुड मार्केट को कंट्रोल कर भी लें, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आपकी कैपिटल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है. सो डीवैल्यूएशन करते हुए सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो कब होएगी कि जब आपकी कैपिटल मोबिलिटी नहीं है. अगर कैपिटल मोबिलिटी है और आप डीवैल्यूएशन करते हैं तो जो आपकी होम कंट्री में बाहर के बिजनेसेस आए हुए हैं वो अपना जो कैपिटल है वो यहाँ से उठा के कहीं और भी जा सकते हैं, बिकॉज नाउ यू नो कि आपकी कैपिटल मोबिलिटी इज देयर. अगर कैपिटल मोबाइल नहीं होती, आपकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू करती, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते, इम्पोर्ट्स कम होते, और ट्रेड बैलेंस आपका इम्प्रूव करता, और आपके जो इंटरनेशनल बिजनेसेस है वो भी छोड़ के नहीं जा रहे. सो द योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी डी ओनली टू. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. व्हेन इंटरनेशनल कैपिटल इज नॉट फ्रीली मोबाइल देन योर revaluation will be very effective. अगर capital A, first part को देखो, international capital is going to be freely mobile, that is wrong. And the next part is marginal propensity to import is high, this is also wrong. So this covers your devaluation topic. अब मैंने आपके international economics के भी जो भी important parts है वो भी cover करवा दिए हैं. आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें आपको नेक्स्ट किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है. यू टोल्ड मी कि आपका स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में आपको प्रॉब्लम है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है दोनों की. इकोनोमेट्रिक्स की भी अलग बनाई है, स्टैटिस्टिक्स की भी अलग एक वीडियो बनाई है,
ऑल्दो ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में एक ही टॉपिक था। तो ऐसे ही मैं आपको जैसे वहां पे एक्सप्लेन किया है कि मुझे पता चला कि आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सब्जेक्ट अभी, क्योंकि उसकी रिवीजन कम हुई हुई है। ऐसे ही आप मुझे और भी कोई सब्जेक्ट बता दीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो इस टाइम पे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगी। मेरी कोशिश यहाँ पे वही है कि मैं आपके ये कम टाइम में आप रिवाइज कर पाए अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, और उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दिस इज माई मोटिव हेयर, आप प्लीज मुझे बताते रहें कि आप कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियोज वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न जिसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ फ्रॉम योर क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट मी नो एंड थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।